जय महाराष्ट्र. मी हर्ष वर्धन. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 99% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडितजी, शो में आपका स्वागत है. धन्यवाद पंडितजी. क्या कहेंगे आज हम कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे. पर एक महत्वपूर्ण बात, कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या मार्गदर्शन करेंगे हमारे प्रेक्षकों के लिए? बिल्कुल. सबसे पहले तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः. भगवान वासुदेव जो हैं उनको शत शत प्रणाम. हमारे देश में जिस तरह हाहाकार मचा हुआ है, मौसम की प्रलय आई हुई है और राजनीति की सुनामी आई हुई है, उसके लिए भगवान वासुदेव से यही प्रार्थना है कि हमारे देश में शांति स्थापित रहे और इस तरह का वातावरण जो बना हुआ है वो अच्छा हो. जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद. और जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, रोहिणी नक्षत्र में उस जन्म होता है और उसके बाद भगवान कृष्ण के लिए बाल गोपाल जो है वो माखन की हांडियाँ तोड़ते हैं, जिसको हम महाराष्ट्र में गोपाल काला भी कहते हैं और दही हांडी कहते हैं. इसके लिए भगवान कृष्ण की आराधना करना बहुत ज़रूरी है. आप आराम से नहा धोकर भगवान कृष्ण के झूले को झुलाइए. जैसे आप समझ लीजिए कि भगवान बच्चा बनकर उस दिन आपके जीवन में आते हैं और आपको हर तरह की सुख और सुविधा का आशीर्वाद दे देते हैं. कहते हैं कि लड्डू गोपाल. जब पर्टिकुलरली आप सबसे अनुरोध है कि जो निसंतान कपल्स हैं, सुनिए, जिनको बच्चा नहीं होता है, वो इस दिन संतान गोपाल पूजा कराएं और लड्डू गोपाल भगवान को माखन का भोग लगाएं. और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो है वो भगवान कृष्ण का जो है, आप जरूर उसका उच्चारण करें. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवबेहरं सर्वलोकेकनाथं. जिस भगवान के नाम लेने मात्र से सब भय दूर हो जाते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, योगियों के योगी हैं, उस भगवान को हम अपने पूरे विश्व को की तरफ से, हमारे भारत की तरफ से शत शत प्रणाम करते हैं और जन्माष्टमी की एक बार फिर शुभेच्छा. क्या बात है गुरुजी, क्या कहेंगे. फिलहाल राजनीति की वर्तमान राजनीति है, ये वर्तमान राजनीति शिव भक्ति पर बहुत चर्चित हो रही है. सबसे बड़ा शिव भक्त कौन, इस पे चर्चा जारी है. हम अभी देखा जाए तो मोदी जी गए हैं पशुपतिनाथ और राहुल गांधी गए हैं वो केदारनाथ. क्या लगता है आपकी भविष्यवाणी क्या है, सबसे कौन शिव भक्त श्रेष्ठ है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, आप देखिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अलग अलग मंदिरों में जाकर प्रणाम किया. तो डेफिनेटली अगर राहुल जी नरेंद्र मोदी का अनुसरण इस मामले में कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही उत्तम माना जाएगा. और शिव तो भोले हैं, वो तो सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद दे देते हैं. उन्होंने तो भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था, अगर आपने कहानी सुनी है. भस्मासुर को बोल दिया कि जिसके सिर के ऊपर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा. तो वो चला भगवान शंकर के सिर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए, ताकि मैं इनको खत्म कर दूं और मैं ही इस विश्व का राजा, इस विश्व का देवता बन जाऊं. मगर कहते हैं कि जिसकी बुद्धि दैत्य होती है उसको कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं. मगर राहुल जी का ये प्रेम गुजरात इलेक्शन से दिखा. देखिए, इवेंचुअली अगर आप राहुल जी के पूर्वजों की बात करें तो वो पंडित हैं, वो भी समझे ना आप जी. और हमारे देश में जब कोई स्त्री विदेश से या कहीं से भी शादी करके आती है तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है. इसलिए सोनिया जी जो हैं वो हमारे देश की पुत्र वधु हैं और वो सोनिया गांधी बन जाती हैं. किसी भी जाति की हो तो ब्राह्मण हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने जिस दिन जनेऊ पहना, डेफिनेटली उन्होंने इस बात का उस पूरे विश्व को प्रमाण दे दिया कि मैं भी पंडित हूँ और मैं भी ब्राह्मण हूँ.
भोलेनाथ की पूजा करना किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। अगर 10 दिन के लिए भोलेनाथ की पूजा करने के लिए राहुल गांधी कैलाश गए हैं तो कैलाश भगवान शंकर का सबसे उत्तम और बड़ा स्थान है, इसलिए मैं उनकी पीठ थपथपाऊंगा। ओम तिम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अरुवारकमीव वंदना मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। भोले शंकर सब पे प्रसन्न होंगे, राहुल जी से भी पे भी प्रसन्न होंगे और नरेंद्र मोदी के ऊपर तो प्रसन्न हो ही चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो सात्विक बुद्धि लेकर माता रानी के नवरात्रे निर्जल रखते हैं, आपको पता है। वो अमेरिका जाते हैं तो वहां पे भी उन्होंने जल के ऊपर, थोड़े से जल के ऊपर यानी निर्जल भी उपवास रखे, इसलिए डेफिनेटली नरेंद्र मोदी भी योगियों के योगी हैं, योगी हैं। तो इन दोनों के ऊपर 2019 में भगवान शंकर जो हैं वो प्रसन्न होंगे। और दोनों की चंद्र की महादशा लगी हुई है, चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर हैं। इसके लिए देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की कुंडली और उनके कार्यकर्ताओं की कुंडली क्या कहती है। मगर एक बात पक्की है कि जब से आपने देखा होगा गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए, भारतीय जनता पार्टी 99 पे रह गई और ये 79 पे आ गए। उसके बाद इमीडिएटली अगर आप देखो तो कर्नाटका में कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस सपोर्टेड सरकार बनी और 5 जगह के ऊपर उपचुनाव हुए, यहां पर सब जगह के ऊपर कांग्रेस जीती। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर भी भगवान शंकर की कृपा बनती दिखाई देती है। बिल्कुल, मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, उसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। इसलिए डेफिनेटली भोले जो है वो वहां पे राजनीति नहीं चलती, वहां पे भक्ति चलती है। भक्ति मार्ग, जिसने आंखें बंद करके बाबा को बुला लिया और कह दिया कि मेरे ऊपर कृपा करें, उनके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। मैं तो अभी बोला कि भस्मासुर के ऊपर कृपा कर दी, आप समझे ना, एक दैत्य के ऊपर कृपा कर दी, रावण के ऊपर कृपा कर दी, बोला कि जा भाई मेरे को लेके जाना है, यहां लेके चला जा। और रावण मंद बुद्धि था, उसको क्या मालूम कि भगवान कहीं जाते नहीं है, वो तो सब जगह विद्यमान है। भोले शंकर को लेकर चल पड़ता है कैलाश से और भोले एक ही बोलते हैं कि यहां पे तुमने मुझे स्थापित कर दिया, मैं वहीं पे ही स्थापित हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गणेश जी को भेज देते हैं अपनी भक्ति से और गणेश उनको रावण को बहुत सारा पानी पिला देते हैं और उनको ऐसा समझिए कि जब भी उनको लघुशंका होती है, बाथरूम जाना होता है, तो वो गणेश को भगवान शंकर पकड़ा देते हैं और भगवान वो रख के चले जाते हैं। वो है देवघर, बाबा का घर है वैजनाथ, यानी झारखंड में अगर आप गए हैं, बाबा धाम बोलते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर जो हैं वो निराकार हैं, सारी दुनिया में, पूरे विश्व में वो विद्यमान हैं। मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या राजकुमार शर्मा हो या आप हो, उनके ऊपर उनकी भक्ति, उनका प्रेम सदैव बना रहता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा शंकर भगवान के सामने, अभी मैंने भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना की कि जिस तरह का हाहाकार, विरोध संबत की बात सोचिए जो हमने शो किया था, तब से लेके अब तक हमारे देश में जिस तरह का मौसम ने पिछले 3 महीनों से प्रलय, अभी बहुत सारी 2-3 घटनाएं और होनी बाकी हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ इंद्रदेव से कि सारे देव इंद्रदेव को प्रसन्न करें और किसी भी दुर्घटना का हमारे देश में आगे सुनने को समाचार ना मिले। जी गुरु जी, क्या कहेंगे, मुंबई के नालासोपारा में हम देखे तो नालासोपारा में कुछ बम और विस्फोट मिलने से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सनातन विवादों में था, पर सनातन के जो जयंत आठवले है इनका क्या होगा? कुछ लोगों की मांग थी कि वो बंद हो जाए, पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है जयंत आठवले जी इनके बारे में? देखिए जयंत आठवले जी जो हैं, जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, नागांव थाना में उनका जन्म हुआ और बड़ी माइन्यूटली एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, मैं तो ये कहूँगा कि मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक सज्जन और एक डॉक्टर प्रवृत्ति का आदमी जो धर्म रक्षा और धर्म सद्भावना की बात करता है, जिसको उग्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है। चेहरा देख लीजिए, आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, एक सज्जन व्यक्तित्व जिसको जगतगुरु शंकराचार्यों का आचार्य का भी आशीर्वाद मिला, जिसको जिस जिनके ऊपर इस तरह के विरोध अवरोध लगे, उन्होंने 19 थोड़ा समय आपको उनके बारे में बता देता हूँ
कि डॉक्टर जयंत अठोले जो हैं वो उन्होंने 1999 में अपना व्यापार छोड़कर, उनका व्यापार क्या था, हिप्नोटिज्म, वो हिप्नोटिज्म के डॉक्टर थे, हजारों लाखों मरीजों को उन्होंने ठीक किया और निशुल्क ठीक किया, बहुत सारे उन्होंने वर्कशॉप्स किए उसके ऊपर, लोगों को जीने की क्रिया सिखाई, और उन्होंने ये 1999 में धर्म रक्षक और हिंदू धर्म रक्षक इन इसके लिए सनातन संस्था का की स्थापना की। उस संस्था के कुछ लोगों ने अगर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया है तो वो दंडाधिकारी है। जयंत अठोले जैसा व्यक्ति जो एकदम आप देखेंगे, जिसकी परिभाषा मैं एक संत के रूप में मानता हूं, आप फोटो भी देख रहे हैं उनकी, उनको आप अच्छी तरह से देखिए, जिनके चेहरे के ऊपर कहीं भी ये लगता नहीं है कि वो पानसारे साहब के या दूसरे कालगुरी के, जिनके जिनके उनके ऊपर आरोप लगे हैं या नरेंद्र दाभोलकर के किसी भी तरह के हत्या के, मतलब कहने का कि षड्यंत्र रच सकते हैं, मगर यहाँ पर बुद्ध की महादशा लगी हुई है। मकर राशि है जयंत अठोले की, मकर राशि स्थिर राशि है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यही जयंत अठोले और इनकी सनातन संस्था को हिंदू रक्षक जितने भी हैं उन्होंने सबने सपोर्ट किया, और गोवा में कहा, यहाँ तक कि सरकार बनने तक बात आई तो ये शिवसेना के साथ खड़े हुए। मुझे कहीं भी ये नहीं लगता है कि जयंत अठोले जो हैं उनके दूर दर दूर तक इन हत्याओं से कोई संबंध है। मेरा एक ही अनुरोध है और एक भविष्यवाणी सुन लीजिए जयंत अठोले जी के लिए, कि आगे आने वाले दिनों में गोवा में और महाराष्ट्र में ऐसा समय भी आएगा जो जयंत अठोले की सनातन संस्था जो है उनका सरकार बनाने में भी बड़ा से बड़ा हाथ रहेगा। मैं तो उनको प्रणाम करूंगा आपके माध्यम से। जी गुरु जी, ये चर्चा ऐसे ही बनी रहेगी, पर तुर्तास आता वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची। ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि महत्त्वाच्या विषयांवर, राजकीय घडामोडींवर आपल्याला भाष्य करायचं आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्या सोबत आहेत राजकुमार शर्मा। गुरुजी क्या कहेंगे, फिलहाल देखा जाए मनोहर पर्रिकर जो है बहुत समय से वो बीमार है और बुधवार को ही वो अमेरिका चले गए हैं, पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि मनोहर पर्रिकर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने एक पहले भी इसके ऊपर भाष्य किया। जी जी जी, और इसी मंच के माध्यम से अपने भाष्य किया था पहले, मुझे लगता है हम वो वीडियो देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। सर, गोवा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर पर्रिकर का स्वास्थ्य काफी समय से ठीक नहीं है, लगातार बिगड़ दी तबीयत की वजह से वो अमेरिका भी गए थे, पर एक सवाल यहां उपस्थित होता है, मनोहर पर्रिकर जी इनका स्वास्थ्य विफल होने के कारण गोवा के मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे देंगे, क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी? देखिए, जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। जी बिल्कुल। इसलिए हम लोग कभी भी जब भी किसी का चार्ट देखते हैं तो उसके दो घर देखते हैं, एक छठा और एक आठवां। छठा घर जो होता है वो रोग स्थान होता है, हेल्थ को लेकर उसके ऊपर चर्चा करी जाती है। जब भी आप किसी ज्ञानी पंडित के पास जाते हैं और अपनी सेहत की बात करते हैं तो वो छठे घर को पकड़कर आपकी भविष्यवाणी करता है। और छठे घर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मनोहर पर्रिकर जो है वो गोवा के बहुत ही लाड़के और बीजेपी के बहुत ज्येष्ठ नेता है। बिल्कुल। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनको जिस तरह की बीमारी से वो पीड़ित थे उससे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी उनको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। मृत्यु संजीवनी और महामृत्युंजय कम से कम 40 दिन उनको करवाना चाहिए, ये एक मेरी ज्योतिषीय सलाह है उनको। और अगर हम आपके सवाल के आप ऊपर आते हैं कि क्या उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, जैसे कि अरुण जेटली को छोड़ना पड़ा, इसी मंच के माध्यम से हमने बोला था कि अरुण जेटली को कुछ महीनों के लिए रेस्ट लेनी पड़ेगी, उनको भी किडनी प्रॉब्लम थी। अब मनोहर पर्रिकर की हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि मनोहर पर्रिकर साहब जो हैं
उनको पॉसिबली 15 अगस्त से पहले पहले या मैक्सिमम 2 सितंबर से पहले पहले ये पद जो है कुछ महीनों के लिए रिक्त करना पड़ेगा और उसकी जगह के ऊपर कोई नया मुख्यमंत्री जो है गोवा को मिल सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी ने, गुरुजी आपने इसी मंच के माध्यम से कहा था, प्रेडिक्शन किया था, वो सच साबित हो गया, अब क्या लगता है आपको? देखिए बड़ी सिंपल बात है, मैंने तो बहुत सब कुछ ही कह दिया। मुझे तो लगता है कि अगले 20 से 25 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी खतरा है और अगर वो अगला मुख्यमंत्री बनाते हैं तो डेफिनेटली श्रीपद नायक जो हैं इस वक्त आयुष मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको वहां पर लाया जा सकता है। मगर सरकार को पूरा पूरा खतरा है, वहां पे कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी जोर लगाती है तो सुदीन डौलीकर और सरदेसाई और दिगंबर कामत वहां पे दिगंबर कामत या सरदेसाई अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को भी खतरा है। आगे सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, आगे चलिए। क्या बात है गुरुजी, अभी बीजेपी का आपने नाम लिया तो मैं उसी आधार पे सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। क्या लगता है राफेल जो करार था और नोटाबंदी का जो आरोप हो रहा है, क्या लगता है भाजपा को इससे कुछ प्रॉब्लम होगा? देखिए नोटबंदी जिस तरह का एक कदम था उसकी जो संपूर्ण रिपोर्ट आरबीआई की आई है वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। मगर एक सुखद समाचार है कि 7 की जगह 8 जीडीपी आ गई। मगर अब और राफेल घोटाले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एवरी डे अपने पूरे हथियार लेके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ी हुई है। आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। 2019 का इलेक्शन राफेल हो, जीएसटी हो या ये नोटबंदी हो, इन तीनों का प्रहार जो है बीजेपी को सहना पड़ सकता है और इसके अंजाम या इसके रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली बीजेपी के लिए और उनकी पॉपुलैरिटी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो है कि सोना बाजार कैसा रहेगा, बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज कैसा रहेगा? बिल्कुल एकदम। देखिए सोना बाजार जो है 30,129 के ऊपर चला गया, 30,500 ऊपर का आंकड़ा है, 29,900 नीचे का आंकड़ा, ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। सिल्वर 36,800 के ऊपर बंद हुआ, सिल्वर 39,000 जा सकता है, नीचे का आंकड़ा 36,600 के करीब, मतलब ज़्यादा नीचे सिल्वर यहाँ से जाता हुआ नहीं दिखाई देता। बीएससी में हमने बोला था एक घिसरन बीएससी में हो सकता है, ये हफ्ता भी ऊपर का मैक्सिमम सपोर्ट जो है 38,900 हो सकता है और नीचे का 37,800, मतलब नीचे को ज़्यादा आता हुआ दिखाई देता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी जो है 11,700 का आंकड़ा छू चुका है, 11,800 का ऊपर का आंकड़ा और 11,500 नीचे का आंकड़ा। बाजार में एक कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है, ग्रहों के मुताबिक भी कमजोरी नजर आती है और अमेरिका और चाइना का वॉर, ये भी एक बहुत ट्रेड वॉर भी एक उसका इफेक्ट हो सकता है, तेल के बढ़ते दाम भी उसका इफेक्ट हो सकता है। शनि धनु राशि में इन सब का मिला के एक संतुलन जो है मार्केट में, एक कमजोरी आ सकती है, कमजोर दिल वाले बाजार से बाहर रहें। बिल्कुल गुरुजी, हमारे कुछ दर्शक है उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। शेखर ज्योति सीमंत सुरेश सोनौने पुणा से, विशाल जोग है जलगांव से, महेश भुजबल है, प्रदीप पाटिल सामंत लॉकवुड है यूएस से, शास्त्री मोरे है, अर्चना सिंह है, हमारे ये दर्शक है जिनका नाम हमने अभी लिया। पण आता तुर्तास राजमंत्र मध्ये वेळ झाली, इथेच थांबण्याची, पुन्हा भेटूया पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार।